यहाँ जो भी हमारे इस अवसर पर मुझको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूँ, उनका चरण वंदन करता हूँ। और जो भी मेरे मित्रगण, मेरे शिष्यगण, मुझसे छोटे और सभी लोग यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे और हमारे गोस्वामी चाचा जी के साथ जो संगीत की एक जर्नी चल रही थी बहुत पुरानी है, वो तो 25 से कहीं ज्यादा की। मुझे वो दिन याद है जब मेरे चाचा, छोटे चाचा श्री रंजीत कुमार दे जी, वे अपने मित्र के पास, गोस्वामी जी के पास मुझको लेकर गए और बोले कि ये मेरा भतीजा है, थोड़ा गाता है, सीखना शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि तुमसे परिचय करा दें। तो इन्होंने छूटते ही कहा कि अगले शनिवार को हमारे यहाँ वो एक कार्यक्रम होता है स्वरित के नाम से, उसमें तुम गाना। मैं तो लगा कि जैसे कि ये क्या हुआ अचानक, इतना विश्वास। और वो विश्वास था कि मुझे लगता है कि आज तक मैं इनके विश्वास को कायम करने में लगा हुआ हूँ। और सोचता हूँ कि आपने जो विश्वास एक दिन में, कुछ क्षण में उनसे मिल करके मेरे ऊपर रखा, तो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप था। और आज भी मुझे जब भी कोई कहता है कि आपके आदर्श कौन है, तो मैं कहता हूँ कि गोस्वामी जी, क्योंकि इनको मैं देखता था कि किस प्रकार ये बैंक में काम करते हुए दिन भर चेक, डेबिट, क्रेडिट, रिकंसिलेशन करके शाम को आकर के पूरी तरह से एक जैसे कोई स्वर्ग का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, थोड़ी देर के लिए बाकी सब कुछ पीछे छोड़ करके सुख की दुनिया में खो जाता है। वो दरवाजे की चाबी इनके पास है, जब इनकी इच्छा होती है तब ये दरवाजे की चाबी खोलते हैं और उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो मैं ये टेक्निक सीखने का प्रयास सबसे कर रहा हूँ। और मैं स्वयं भी जीवन बीमा निगम में कर्मचारी रहा हूँ 26 साल, और जब भी मुझे लगा कि मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मैं इनको स्मरण करता था कि कैसे उन्होंने किया। बस यही देखकर कि मैंने वो जिंदगी शुरू की थी, ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, पहली बात। दूसरी बात है कि मेरे पिताजी इनको, छोटे भाई का स्नेह इनको प्रदान करते थे, चूंकि मेरे चाचा जी के मित्र होने के कारण। तो अपनी 25वीं वर्षगांठ पे, जबकि हमारे घर में भी कलाकारों का थोड़ा बहुत आना जाना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका सितार होना चाहिए। और हम लोगों ने अपने घर में ही एक छोटी सी सभा की थी, क्योंकि हम लोग वैसे ही थे अपने छोटे से दायरे में। तो उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर वादन प्रस्तुत किया, और उसके बाद जब उनका खुद का 25वां सालगिरह आया तो हमसे कहते थे तुम गाओगे। फिर वही विश्वास, वही अटूट विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा पूरा जिंदगी भर विश्वास रखा, और मैं उनको कायम करने में लगा हुआ हूँ, उस विश्वास को बनाए रखने में लगा हुआ हूँ। तो आज मेरी बारी है उस विश्वास को। मुझे मालूम है कि इससे अच्छा आशीर्वाद और कोई मुझे दे नहीं सकता है। आप हमारे जिंदगी से इस तरह जुड़े हुए थे कि मैं आज के अवसर को आपको प्रदान करता हूँ। और मैंने कोशिश की थी रजत जयंती रात के रूप में नाम रखा था, रजत जयंती, और उसमें जयजयंती और नंद का मिश्रण करते हुए राग का, ये बचपना ही समझ लीजिए, बचकानी हरकत ही समझ लीजिए, लेकिन मैंने किया, बंदिश बनाई, राजती राम जानकी जोड़ी। आज चाची यहाँ है नहीं, वो दिल्ली में बैठी हुई है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ नहीं सकी, लेकिन मेरा वही था उस बंदिश के माध्यम से, राजती राम जानकी जोड़ी, इनकी जोड़ी को देखते आए। तो आज की इस हमारी जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पे एक नया राग लेके आए हैं, इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, और अपने आपने जो मेरे प्रति जो स्नेहपूर्ण भाव रखा है, इसके लिए मैं आपको पुनः 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 प्रणाम करता हूँ। साथ में जब बात आई कि आज तबले पर कौन होगा, कोई भी बजा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अचानक जैसे दिमाग में घंटी की तरह बजने लगा, ई जोड़ी बनल रहे,
एक बहुत सारे गिफ्ट हमारे शादी के समय लोग देते गए, पता नहीं कितने लिफाफे आए। उस समय लगा कि फटाफट देखो किस लिफाफे में कितने रुपए हैं, अपने फटाफट खोलना शुरू किया। एक लिफाफे खोलने से पहले ही नजर पड़ी इस पर लिखल रहा ई जोड़ी बनल रहे। अरे वाह क्या बात, तो उसको बिना खोले हम लोग उस लिफाफे को देखते रहे। बाद में वो लिफाफे के अंदर की कंटेंट को तो जेल में डाल दिए, लेकिन लिफाफा आज भी मेरे घर में सुशोभित है। तो जब ई जोड़ी बनल रहेगा आशीर्वाद मिलल रहा, तब ओके 25 साल बाद हम उनके कैसे भूल सकेंगे। तो आज मैं उनको आग्रह किया, मैंने उनसे विनती की और आज मेरे साथ यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में हमारे आनंद के उस मुहूर्त में हाथ रखे उन्होंने बजाने के लिए हामी भरी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। और मेरे सामने इतने बड़े लोग बैठे होते हुए सामने में बोलता चला जाता हूँ बिना इजाजत, आप क्षमा करेंगे आदरणीय वर्णा प्रोत्कर जी, आदरणीय मंजू सुंदर जी, सुंदरम अंकल, पुण्यु अंकल, हमारे चाचा जी, कितने बड़े बड़े मेरे चाचा जी आए हैं बम्बई से, मेरे पिताजी और छोटे चाचा जी दोनों ही नहीं रहे, अब आप हमारे गार्जियन हैं। हम लोग बंगला में बोलते हैं बहुत पड़ता है, शादी होती है तो दूल्हे की ओर से जो हेड होता है उसको कहते हैं बहुत पड़ता है। आज हमारे बहुत पड़ता है, हमारे चाचा जी आए हैं, बगल में चाची बैठी है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। कृपया संगीत से आप लोग आनंद है, मैं थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहूँगा, क्षमा करें।
है।